उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से एक है रायबरेली लोकसभा सीट। इस बार रायबरेली सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। रायबरेली सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही है और 1999 से तो लगातार कांग्रेस ही सीट से जीत रही है। रायबरेली लोकसभा सीट में बछरावा, हरचंदपुर विधानसभाएं हैं। रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार विधानसभाएं भी इसी सीट पर है। रायबरेली सीट पर 2014 के चुनाव के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने 17% वोट ज्यादा हासिल किए थे। इस बार भी बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए आश्वस्त दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन करने के बाद मुकाबला खड़ा हो गया है। इंडिया न्यूज पहुंचा रायबरेली के ग्रामीण इलाकों में, वोटर से पूछा क्या चल रहा है। रायबरेली में सियासी रण में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोग आखिरकार इस बार क्या सोच रहे हैं, और रायबरेली और अमेठी की जो सीट है वो अपने आप में चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। लेकिन गाँव में जो गाँव के रहने वाले लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पे जब आधी आबादी की बात करते हैं तो महिलाओं का जिक्र होता है क्योंकि आधी आबादी लेकिन पूरी भागीदारी का रोल जो है महिलाएं निभाती हैं। आज हम रायबरेली के राही गांव में मौजूद हैं। इस वक्त जानेंगे कि आखिरकार चुनावी रण में क्या मुद्दे, क्या माहौल और महिलाओं को क्या चाहिए, कौन सी सरकार इनको पसंद है और कौन नापसंद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोना देवी। सोना देवी क्या करती हैं? अरे घर में रही थे, दूसरे का मंजूरी करवे जो हमें खेती बाड़ी नहीं तो करवे का हाँ। खाली मोदी कैसे राशन पाई से बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं ना। और क्या माहौल है यहाँ पे, क्या समस्याएं हैं? अरे अब समस्या देखो, जैसे कहीं देख के कच्चा घर हुए, मान ली ना नान के बुसैला बनवान हन तो वह का खेत बेचा चाहे घर बेचा, बनवा ली ना तो हमका गवर्नमेंट तो नहीं बनवा दी सी, तो अपनी मर्जी का दे चाहे नहीं राशन दिया तो वह ना दिया तब नहीं मिला ना, कहो वहू का खा लिया जी लिया, जैसे पछू पौआ खा लिया जी लिया वही तो जी लिया, राशन न दे हैं तो हमका सफर है। तो केवल राशन मिलता है? खाली राशन कितना मिल जाता है? हमारा लाल कार्ड था 35 किलो। क्या मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के वोट करेगी? मतलब महंगाई, बेरोजगारी? भाई महंगाई तो देखो गरीब अमीर का सबका है, का हमारे ऊपर है वो तो सबके बार एक है, वही में कोनो घिरा नहीं। लेकिन जो कही है अरे तुम्हारा तो ये तरह बना है, अरे ख्यात बेच के नान के वही माँ देवी जी का मंदिर धरे पहुड़ नहीं सकित, खाना नहीं बना सकित, वही का देख के मंत्री लोग दुनिया भर का थी, तो दुनिया का हमारा कह मतलब जैसे घर द्वार बनाओ अच्छी से लैटरी ने बनवा सब सुविधा, तो वह है वाट दिए उसी को वोट देंगे नहीं, वह वाट दिए और जो हम मुझे कुछ नहीं पाया तो का मतलब लाइन लगाई भूखे प्या से एक चाक नहीं को पूछे वाला। क्या नाम है आपका? निशा नाम। निशा जी क्या माहौल है, क्या मुद्दे, क्या परेशानी? परेशानी का है वही राशन मिला था वो पंजन का कॉलोनी वालों ने नहीं ना मिली, कुरिया में रही थे सरकार ने राशन दिया, राशन तो दिया था 30 विकास हुआ है गांव का नहीं हुआ? मेरे अब विकास कौन वो कुछ नहीं ना, नहीं हुआ कुछ नहीं ना। बताइए कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी पाएंगे या ऐसी? अरे भाई जीती है का ना, जो सबको चाहिए तो जीतबे करिए, एक जने के चाहे से ना जीती है। आप क्या चाहती हैं? अरे जो सबको दे तो हम दे आप भाई बहन का। अम्मा क्या नाम? राजरानी। राजरानी। राजरानी नाम तो बड़ा दिल ना बेटा, एकदम राजरानी की तरह लग भी रही है। अरे सही है। क्या माहौल है? सब ठीक है, माहौल चल रहा है बढ़िया। खुश है सरकार से? खुश सो ना बने तो भाई खुश सो। कह रही है परेशानी बहुत भाई, परेशानी पे एक दूसरे को देख के तो होते ही है। आप ये परेशान, हम गांव में रहे थे हम तो इनके पीछे भाई, ये परेशान तो परेशान तो हुआ इनके पर आता है, कोई दिक्कत किसी को होए तो दूसरा में तो दिक्कत में फंस जाता है। तो घर वर मिला है कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन हमारा मतलब हम तो लोग गुजरात में रहे थे भाई। मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, अच्छे सही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं। क्या किसको वोट देंगी इस बार? अपने देंगे जिसका इच्छा कहेगा बना, किसकी इच्छा रहेगी? नहीं इच्छा है मोदी की, इच्छा है मोदी की इच्छा है। राहुल गांधी जीत भी पाएंगे या ऐसी? भाई देखो बेटा सबकी नसीब, नसीब क्या करती, कहाँ खड्डा में गिराती है कि उठाती है, वो उन लोग का देखेगा है। अपने तो जेहका चाह रहे हैं वही चाह रहे हैं, मतलब भड़बड़ाने से कोई मतलब नहीं ना। परेशानी में और गांव में कोई विकास विकास हुआ है? अरे विकास कुछ गांव में हमारे नहीं ना, कौन विकास
क्या परेशानी बताओ तो सही। परेशानी जब लड़कियन का हमें न कॉलोनी मिली न कुछ मिला और तो परेशानी है ये है मने इनके लैटरिंग बनी है सब कुछ है हमका तो कुछ वही नहीं मिला। कुछ नहीं मिला का मिला पहले के जमाने में यहाँ वही एक ठही कॉलोनी का एक कोठरी मिली है बस मिली है ना। हाँ एक कॉलोनी जैसे तही बनत रहा है और अब जैसे हमारो लड़का अलग बिलक हैं तो हमें लड़कियों का तो नहीं मिला कुछ और गांव में देखे सबके कॉलोनी बन गई। यहाँ से मुकाबले में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सामने दिनेश प्रताप सिंह के सामने, जानती हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी का भाई अब जैसे आवत है हम देखे नहीं ना जानित कहे नहीं कहे ना जन है। हाँ नाम सुने न लग रहा है जीत पाएंगे। जीती है काहे ना जीती जीती है जीती है भाई काहे जीती है वही तो पूछ रहे हैं आपका। वोट देंगी आप उनको? हाँ वोट देंगी कमल को या पंजे को? हाँ देवे काहे ना भाई काहे ना देवे। मोदी राज में राशन मिले सब चीज मिला सोनिया गांधी के राज में का मिलत रहा पीला कार्ड मिलत रहा सोनिया खाली मिट्टी तेल मिलता वो भी सबको मिलता नहीं था। कम से कम मोदी के राज में राशन तो मिला ना पब्लिक को पूरी कॉलोनी बिल्कुल कॉलोनी जिसको आना था आई नहीं थी जिसको आना होगा फिर आएगी। लेकिन कम से कम इनकी राज में राशन तो जो दुखिया गरीब उनको मिल रहा कि नहीं मिल रहा। हाँ राशन बिल्कुल मिल रहा। तो मोदी ने विकास किया? विकास जो किया यहाँ तो अभी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है यहाँ जो आप बाहर है वो देखा जाएगा बाहर को तो हम जानते नहीं। आपके यहाँ कोई विकास नहीं? अभी हमारे यहाँ कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं नहीं विकास कोई किया। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखो हमको किसी को बता के वोट नहीं देना हमको जिसको मर्जी होगा वोट देंगे नहीं देना नहीं देंगे। लेट बिल ये बता रहे बहुत सारा आ रहा है बहुत बिल आ रहा है बहुत महंगाई है। महंगाई तो बात सही होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए महिला सुरक्षित है? महिला तो सुरक्षित हैं अपने घर पे खाते हैं रहते सुरक्षित हैं। बोला जो यह है महंगाई है लाइट बिल बोलो महीना भर ना चलाओ लाइट आवत नहीं ना 8,000-10,000 बिल आ जाते कहाँ से बिल आ जाते इतनी गरीब। शिकायत को सुनते नहीं ना शिकायत शिकायत को नहीं सुना जिला अधिकारी को नहीं बताया कभी सुनता नहीं तो कश के लेके जाए आप जानते नहीं हम लोग तो कहाँ जाए। देखिए तमाम महिलाओं से बातचीत की है लेकिन कुछ और लोग भी हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। महिलाओं की बारी तो हो गई अब पुरुषों की बारी है जान लेते हैं। क्या हो भैया क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया है। क्या चल रहा है गांव में? अब चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी अपनी हर जगह बातचीत चल रही सब अपना आपस में। किसको वोट देंगे कमल पंजा या कोई और? वो तो समय बताएगा लेकिन ये है कि प्रथम समस्याएं यहाँ पे अब हमको तो कोई समस्या नहीं हमारे साथ तो सब सही है। तो बोल रही है विकास नहीं हो रहा है? अब विकास हो रहा है लेकिन अब एकदम एक साथ ही सब कुछ नहीं हो जाता टाइम लगता थोड़ा थोड़ा। कांग्रेस के राज में कोई काम धाम हुआ है या ऐसे ही चल रहा है मामला? कांग्रेस के राज में जो हुआ है वो सामने ही है जो उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो चुनाव जीत जाती कभी उसके बाद शक्ल दिखाने नहीं आती। और लोकल का कोई रहेगा तो कम से कम मिल सकते हैं उससे और बातचीत हो सकती कोई मुद्दा है तो बता सकते हैं। किशोरीलाल शर्मा से मुलाकात नहीं हुई कभी? नहीं 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 यहाँ तक जो मेन है सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनसे कभी जल्दी से मुलाकात नहीं होती चुनाव जीत जाती दोबारा शक्ल जल्दी से दिखाने नहीं आती। दिनेश प्रताप सिंह को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं हमारे लोकल के हैं रहने वाले हैं और एक बार इसके पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से कैंडिडेट हैं। और अच्छा है कि ये है कि तो समय बताएगा लेकिन उम्मीद है कि अब की बात सीट निकल जानी चाहिए बीजेपी की। क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है माहौल। वोट देते हो? हाँ देते हैं। इस बार दोगे? हाँ देंगे। क्या मुद्दे? अब जो ना आएगा तो वही मुद्दे देंगे। पंजे को या कमल को? अरे इससे हमको क्या इससे का मतलब हमारा वोट है तो हम देंगे ना जहाँ कमल पर दे जाए कांग्रेस पर दे। क्या सोच के वोट करोगे? महंगाई बेरोजगारी सुरक्षा? महंगाई है वो सब कुछ बेरोजगारी तो है। राहुल गांधी को जानते हो का? जानते हैं क्यों है? क्या है कहाँ है? है अब पता नहीं कहाँ हुई है प्रचार में जुटे हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह है वो भी प्रचार में है। मिलने आए हैं कभी आपसे? नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है मोदी ने जो विकास किया 10 साल में क्या विकास वाकई गांव पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे पहुंचा तो है ही है। पहुंचा है परिवर्तन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं कार्यवाह को बढ़ाते हैं और कई लोग वहां भी हैं
गांव में कुछ लोग उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि गांव में हम आए हैं जानने के लिए कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, शहरी वोटर्स की क्या राय है इस चुनाव को लेकर। लेकिन उसके अलावा जो गांव में रहने वाले वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी पे मुकाबला दिलचस्प है। रायबरेली की सीट की बात करें तो गांधी परिवार का गढ़ रहा है, सोनिया गांधी लड़ती रही हैं, इससे पहले इंदिरा गांधी लड़ती रही हैं, एक लंबे दशक से गांधी का ये गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतती आई है। लेकिन इस बार राहुल गांधी चुनावी रण में हैं, सामने दिनेश प्रताप सिंह हैं, समीकरण अलग अलग हैं, लेकिन मुकाबले में कौन आगे कौन पीछे और क्या कुछ नए नए मुद्दे। अरे भैया कहीं जा रहे हैं क्या, कहाँ काहे रो रही हैं, तो यहीं के रहने वाले हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? सूरत। सूरत जा रहे हैं, किस लिए? काम से। और सरकार ने विकास नहीं किया? अब विकास किया होगा तो आपके सामने छप्पर के नीचे थोड़ी रहते हैं, जो आपके सामने है। अरे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही है यहाँ पे, सुने गांधी सांसद रही हैं, अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया यहाँ? नहीं, आज तक तो उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं। नहीं, तो आपको कौन सही लग रहा है, मोदी या राहुल गांधी? नहीं, ठीक तो मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो भी कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं? अरे ठीक यही कह रहे हैं कि घर में जिसके घर में गैस नहीं थी वो गैस हो गई है, इस तरह की चीज़ें हैं, रोड देखो अच्छी हो गई। राशन मिलता है? हाँ राशन तो मिल रहा है। सिलेंडर सस्ते में मिलते हैं? अब सिलेंडर तो जितने में मिल रहा है सबको उतने में हमको भी मिल रहा है। कितने में मिलता है? 953 की मिल रही है। 953 रुपए में? हाँ। सब्सिडी मिलती है? हाँ आती है 300 रुपये। तो घर नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? अरे आपके ही सामने है, जो सामने है आपके। फॉर्म भरा था आपने? कई बार हमने भरा, नहीं आया। लैट्रिन भी नहीं है यहाँ पे, अब किससे करे, जिसको कहे वो कहे, आप जाइए कहीं जाइए किसके पास जाए बिना जानकारी के। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब वोट डालने जाएंगी तो? अरे वोट तो उन्हीं को देना। किसको? कमल को। काहे? अब ये है कि राशन नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो पेट तो जी आए वो मिल ही रहा है। वोट डालने जाएंगे? हाँ वोट तो डरबे करबे। किसको डालेंगे? मोदी का दिया, और कोई का दिया? काहे? और का उन्हें का देना हम का है? हाँ। और कोई का दे? काहे मोदी पसंद है? अब मोदी पसंद है हमका, राशन दिया दिखा के और का चाहिए? और का चाहिए हम बदल? गाँव में कुछ बदलाव हुआ है कि ऐसे चल रहा है? अब गाँव में ऐसा बदलाव रोड वोट बन गया और का बनेगा। विकास किया या नहीं? हाँ कहीं नहीं तो बना कैसा किया है। और सोनिया गांधी? अरे वो तो 5 साल जीत के गई है, उबई नहीं भाई। अब जीतने के बाद आई नहीं? उबई नहीं भाई। राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ से? अरे तो लड़ाई दियो तो दुनिया काम आया है। हाँ। अरे जो लड़ा थे लड़ाई दियो, लड़ाई के तो काम आया है, जैका निकले खो तो निकलबे करी। कौन निकली है? मोदी निकली है और को निकली। अब परेशानी दीदी तो बहुत है, ना लैटरिन जानने ही आए, ना लैटरिन है, ना पानी की व्यवस्था है, पानी भी आता नहीं, नलका लगा हुआ पानी आता ही नहीं, तो पानी का है? पानी आते नहीं, पानी जो है टंकी बनाई गई, दो दो टंकियां बनाई गई हैं, और पूरे पाइपलाइन बिछा दिया गया है, घर घर टोंटी लगाया गया है, आधार कार्ड लेके आज तक पानी देखने को नहीं मिला है। अब एक पैंट पाइप नहीं है, दूसरी जगह से लाना पड़ता है। वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के, विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, क्या रहेगा, राम मंदिर क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा तो वही रहेगा जो सरकार जनता के लिए कर रही है, जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। बार बार की कोई विकास नहीं हुआ, कोई जो आएगा वो वही करेगा जो जनता को वहां से बैठे करेगा, और यहाँ के लोग जो है उनसे जुड़े हुए, सरकार तो जो खर्च करती है, यहाँ जुड़े लोग हैं वो अपने मन का करते हैं। विधायक विधायक आते हैं गांव में चक्कर वक्कर लगाने? विधायक हाँ आते हैं कभी कभी। आप लोगों की परेशानी सुनते हैं? बीच में लोग हैं वो योजनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए? कंप्लेन करी, शिकायत की? किसी कोई सुनने वाला नहीं है, कहाँ करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, कंप्लेन करते हैं आप लोग? हाँ लैट्रिन का कई बार दिया, अभी तक कहीं सुनवाई नहीं, पानी का है कोई सुनवाई नहीं। आवास आप लोगों को सरकारी आवास मिला या आपका था अपना? नहीं अपना ही था, कुछ नहीं मिला। तो गांव में सरकारी आवास मिले किसी को? हाँ मिले होंगे, जिसको मिला है वो मिले हैं, बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं। हाँ, मिले हैं। क्या चल रहा है, क्या माहौल चुनाव का? माहौल बढ़िया है, अच्छा है सब। क्या माहौल, मतलब क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अरे मुद्दा तो सबके राज में एक ही होता है,
रोजगार और तमाम तरह की फैसिलिटी हैं जो मिलनी चाहिए। तो रायबरेली में इस बार क्या रहेगा, मतलब अंकगणित क्या रहेगा, आप समझाइए हमको थोड़ा। अब लगातार तो सोनिया गांधी ही जीतती आई हैं, लेकिन सोनिया गांधी को आपकी इस बार नकारा जाएगा। नकारा जाएगा? हाँ जी। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद वो अब आई हैं शायद, इसके बाद नहीं आई, वो चुनाव जीतने के बाद वो सर्टिफिकेट शायद लेने तक नहीं आई, और जनता के बीच में तो आई ही नहीं, तो लोग उनको कैसे चुनेंगे। अब ये है कि राहुल गांधी आए हैं, रायबरेली जो है उनका घर है, 70 सालों से नहीं अभी तक जब से हुई है, शायद 1-2 बार नहीं जीत पाए, लेकिन कंटिन्यू कांग्रेस ही जीती है। गांधी परिवार बार बार कहता है, कांग्रेस कहती है कि ये हमारे लिए सीट नहीं है, ये रायबरेली अमेठी हमारा परिवार है। परिवार है, जी जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इसीलिए तो जनता उनको चुनती है। लेकिन मोदी एक और कहते हैं कि सिर्फ सीट, एक सीट मेरा परिवार नहीं, पूरा देश मेरा परिवार। जी जी, बात सही है, बिल्कुल सही है। मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ विकास? क्या विकास हुआ उत्तर प्रदेश? तो आप लोग खुद ही जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं आप। हम तो आपकी राय जानते हैं कि गांव में विकास हुआ कि नहीं। अब देखिए, रोड बिल्कुल पहले खरिंजा हुआ करते थे, अब RCC रोडें बन गई हैं, इंटरलॉकिंग हो गई है, लाइटिंग मिल रही है, किसान योजना मिल रहा है, सब चीज तो मिल रहा है। राशन वाशन मिलता है? हाँ जी जी, क्यों नहीं मिलता। घर वर जो मकान आवास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, आवास पक्के बने हुए जो छोटे तबके लोग हैं उनको आवाज भी मिल रहा है। अब तो ये नहीं कि किसी को देख के दिया जा रहा हो। विपक्ष कहते हैं किसान नाराज है इस बार। किसान नाराज तो है, क्यों है? क्यों इसलिए है ना मैम, देखिए कि एक्चुअली जब जब किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको आप बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। कभी ये था कि यूरिया को ले लो तो 220 रुपये, 230 रुपये, आज 320 रुपये यूरिया जा रहा। DAP पे आ जाइए, मुद्दे पे DAP की बात मैं करता हूँ, तो DAP कभी 700-800 रुपये के, आज 1300 रुपये, 1900 रुपये DAP चल रही है। डीजल का रेट ले लो तो वो अलग है, किसान कहाँ से बच पाएगा। बिजली में आइए तो उसमें भी उसमें बढ़ोतरी, ठीक है, और बाकी तो ऐसे जैसे चल रहा देश वैसे देश चलेगा। कांग्रेस या BJP जो करेगा उसको दिया जाएगा। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? अब जो किया हो उसको दिया जाएगा, जो पहले से किया होगा उसको दिया जाएगा, जो प्रेजेंट में किया गया उसको दिया जाएगा। बाकी हम ये क्लियर नहीं कर सकते हम किसको देंगे, वो अपना मतदान है, मैं अपने हिसाब से, सरकार किसी को नहीं पता चलती कि हम क्या करने वाले हैं, तो मेरा मैं क्यों पता चले उनको। बिल्कुल, लेकिन क्या सोच कर वोट करेंगे? हम सोच अपने मतदान करके करेंगे कि हमें किसको देना, मैं इतना पागल नहीं हूँ, ठीक, किसान हूँ, और किसान अपने हक की रोटी लेना जानता है और फैसला करना जानता है। किसान बाकी किसी की हम दबाव में या किसी को हम सोच करके कि हम फलाना है मेरा मुद्दा है कि हम भाजपा को दो या BJP को दो, कांग्रेस को दो या बसपा को दो, मेरा मतदान मैं जहाँ जाऊँ वहाँ दे सकता हूँ। किसान अपने हक की रोटी लेना जानता है, ये इनका कहना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से गाँव में बात करेंगे। ये लंबा गाँव है, सड़कें तो बनी बनाई दिख रही हैं लेकिन आसपास गंदगी बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं गाँव का विकास एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि शहरी वोटर तो अलग रवैये का होता है, शहरी में शहरी मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन गांव में क्या क्या मुद्दे होते हैं ये जानने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। ये आप वोट करती हैं, क्या सोच के वोट करती? मतलब ये जैसे अच्छे से कर रहे हैं, परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है? हाँ जी हुआ। क्या विकास लगा? अरे मतलब हर चीज की सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सड़क है, हाँ है, बिजली पानी सब कुछ है, सब कुछ है, राशन वाशन मिलता है? राशन ना मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सरकार चलाई है, 10 साल में काम किया है? जी किया है। अच्छा, लोग विपक्ष कहता है बार बार, कोई बात नहीं, नहीं नहीं इस पे बैठ। अरे सुनिए सुनिए, विपक्ष कहता है, जब विपक्ष की पार्टी है वो कहती है कि मुसलमान जो है वो मोदी को वोट नहीं करता, क्योंकि मोदी और भाजपा सरकार बांटने का काम करती है धर्म को। आपको लगता है कि धर्म में भेदभाव हो रहा है इस देश में? नहीं हो रहा। जितना सबको मिलता है उतना आपको तो मिलता क्यों नहीं? तो कौन पसंद है आप? अरे जो सबको यही पसंद तो हमें भी यही पसंद। आपको कौन पसंद? मोदी। काहे पसंद? मतलब उनका स्वभाव हर चीज सही है। कभी देखे मोदी को पास से? पास से तो नहीं देखे। तो क्या सोचकर इस बार वोट करेंगी, 20 मई को मतदान करेंगी? अरे मतलब अच्छाइयाँ उनकी है, सब कुछ है जैसा किए हैं, यही सब सोच के किया जाएगा वोट। ट्रिपल तलाक
जो एक मुद्दा था जिसको सरकार ने हटाया, कैसा फैसला है? अच्छा है, गलत है, क्या है, क्या सोचते? सही है। सही है, क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे लोग तलाक तुरंत दे देते थे, अब है तो मतलब सब सोच समझ के दिया जाता है, नहीं तुरंत 3 बार बोलो बस खत्म हो जाता था। तो अब सही है जैसा कि ये है। तो इस देश में सबको समान अधिकार मिल रहा है, आप इस बात को मानती हैं? जी मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ आप सोचते हैं? आपको लगता है, महसूस होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं। तो इस बार वोट किसको? मोदी। मोदी क्यों? बस काम पे कि नाम पे? दोनों पे, काम और नाम। तो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी दोबारा? देखो भाई, किस्मत है उनकी। हाँ, उनकी किस्मत, लेकिन आपका मत भी बहुत कीमती है। तो वोट करेंगी ना जी? और जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्या कहना चाहेंगी? जो लोग वोट करने जा रहे हैं, जो जनता आपको देख रही है, उसको क्या कहना चाहेंगी? मतलब देना चाहिए, सबको देना चाहिए उन्हीं को। मतलब अच्छा हर चीज है उनका, तो वो देना चाहिए। तमाम और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। उठना बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगातार कारवा चलता रहेगा और जानेंगे कि आखिरकार मतदाताओं की क्या राय है। बाबूजी क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया है। आप ही का घर है क्या? नहीं, हमारा घर नहीं, हम तो आप लोगों को देखा चल रहा है। क्या हो रहा है माहौल बा? क्या माहौल? अरे बहुत बढ़िया माहौल है जो है, तो बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? मुद्दे जो है बस बेरोजगारी का ज़्यादा मुद्दा है, और जानवर जो खेत में चल रहे हैं, यही मुद्दा है जो है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, राहुल गांधी वर्सेज दिनेश प्रताप सिंह, कौन सही लग रहा है, कौन किसका मामला हल्का फुल्का लग रहा है? सब दोनों सही लग रहे हैं जो है, दिनेश सिंह जो करीबी हैं जो है, सही लग रहे हैं। राहुल गांधी जीत पाएंगे? अब ये तो उनकी किस्मत जाने जो है, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे जो है। सोनिया गांधी लंबे समय तक यहाँ पे सांसद रही हैं, आप लोगों के बीच में आई, कभी मुलाकात हुई, आप लोगों की परेशानी सुनी उन्होंने? हाँ, बहुत बार परेशानियाँ सुनी है जो उन्होंने जो है। उस पर काम हुआ? बहुत काम हुआ है, एक ये रोड गई है पक्की। आप तो कह रहे हैं कि काम तो किया, परेशानी भी सुनी, लेकिन आप वोट बीजेपी को देंगे, ऐसा क्यों? अस्थाई है जो है, है? ये अस्थाई है, जब जाएंगे चाहेंगे मिल लेंगे, जाके जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे जो है वो। राहुल गांधी स्थायी नहीं है? राहुल गांधी स्थानीय नहीं है? स्थानीय क्या है जो है, 5 साल हो गया जो है, सोनिया गांधी जीत के चली गई, एक बार देखने भी नहीं आई जो है, ना कोई कांग्रेस का लीडर आया, कोरोना था जो, कोई लीडर भी नहीं आया जो है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी का, कोई जानवर जो है इसी मुद्दा रहेगा जो। बेरोजगारी और जो जानवरों का मामला है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उतर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे भी दिखाएंगे लोगों की राय कि क्या है चुनावी मुद्दे और चुनावी लोगों की राय। बताइए क्या चल रहा है, सरकार वरकार काम वाम कर रही है या ऐसे ही मामला चल रहा है? भाई अब जो को जाना तो वैसे पहुँच। नाम बताइए हमको अपना। नाम क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिटान है। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी? अरे उम्र हुई 55-60 हुई। 55-60? अरे वाह, क्या मुद्दे, क्या परेशानी है यहाँ गाँव में? अरे हम कहा जाने कौन परेशानी है, खाए कमाए थे वो का बताए। माँ का नाम? फूल कली। अरे नाम तो बड़ा प्यार है। ये बताइए क्या मुद्दे इस बार, परेशानी क्या है गांव में? गांव का हम काशन, इसी गांव में रह रही है ना? हाँ, यही। दिक्कतें क्या है, क्या राशन वाशन मिलता है आपको? कहा राशन मिलता है? राशन हाँ मिला। तो कौन पसंद है, राहुल गांधी या मोदी? सब ठीक, सब ठीक। चलिए और भी लोग से बातचीत कर लेते हैं, और भी लोगों से जानेंगे। नमस्ते बिटिया। नमस्ते, क्या हाल चाल? सब ठीक है बिटिया। सब ठीक, क्या कर रही हैं आप? अरे भैया वह दाल वाल दर रहा है। कौन सी दाल है ये? उर्रे के आए। उर्रे की, अरे वाह अच्छी बनती है ये, बड़ी स्वाद लगती है। तो क्या माहौल है इस बार है? चुनाव होने वाले हैं, वोट देने जाएंगी? हाँ हाँ बेटा जाएंगे। क्या परेशानी है अम्मा यहाँ? अरे नहीं परेशानी कुछ नहीं बिटिया, सब बढ़िया, सब मस्त। हाँ सब मस्त।
हैं, घर परिवार सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। कितने लोग रहते हैं परिवार में? अरे परिवार में दो बच्चा है, दो बहू है, नतनी है। सब नतनी सेवा कर रही है? नहीं हाँ कर रही है सेवा। पक्की बात? हाँ हाँ पक्की बात। अच्छी है बहुएं? हाँ बहुआ अच्छी है, मैं दिल्ली की बहू है। दिल्ली की बहू है ये हुआ है इसीलिए अच्छी है। हाँ भाई ठीक है। वो का भाई बोले बतला में पढ़े लिखे हैं। हाँ। बेटे क्या करते हैं? बेटे क्या करते हैं? बेटे जो है एक बच्चा हमारे दिल्ली में रहा था, एक माँ बच्चा है LIC में काम करते थे। मोदी ने विकास किया या नहीं किया? हाँ किया है भैया। अच्छा यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही हैं, अब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? जानती है राहुल गांधी कौन है? हाँ हाँ जाने थे। किसको वोट देंगी? अरे बिटिया दिया भाई राहुल है, दिया भाई नहीं का क्षेत्र है भाई रायबरेली है ना। उनको काहे वोट देंगे? अरे भैया भैया आंते तो बोला नहीं, आंते बोल नहीं, नहीं यार डरी मत, काहे डरना, आराम से बात कीजिए। क्या सोच कर मतलब महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, देश का विकास, गांव का विकास, क्या मुद्दा? अच्छा गांव में कुछ परिवर्तन आया है, बदलाव हुआ है ये 5-10 साल में? राशन मिलता है? नहीं हमको नहीं मिलता बिटिया। अरे हमारा काटिन जात का एक बार मिला, दोबारा काटिन दिन भैया। आवास मिला? सरकारी आवास? सरकारी जो प्रधानमंत्री विकास योजना है उसके तहत घर घर मिलता है? घर मिला? नहीं घर घर कुछ नहीं मिला हम लोगों का।